सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। आज शुक्रवार को इंडियन एयरफोर्स के न्यूली इंडक्टेड अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को पंजाब के होशियारपुर गांव में एक प्रिकॉशनरी लैंडिंग करनी पड़ी है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जारी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर ने पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के करीब एक घंटे बाद पायलट ने इसमें कुछ क्रिटिकल फेलियर को ऑब्जर्व किया था, जिसके चलते पायलट ने इस हेलीकॉप्टर को सुरक्षा के लिहाज से पंजाब के होशियारपुर गांव में सेफली लैंड कराया है। और इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि हेलीकॉप्टर के कैप्टन द्वारा लिया गया फैसला बेहद ही सही था और इस प्रिकॉशनरी लैंडिंग में हेलीकॉप्टर क्रू और हेलीकॉप्टर दोनों को ही किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। और इस दौरान पायलट ने एक बेहद ही सूझबूझ का परिचय दिया है और जिस प्रॉपर्टी पर इस हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया था वहां पर भी किसी भी तरह के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है और कुछ नेसेसरी रेक्टिफिकेशन के बाद एयरक्राफ्ट को रिकवर कर लिया गया है। बाकी इस हेलीकॉप्टर में किस तरह की तकनीकी खराबी आई थी जिसकी वजह से इसे प्रिकॉशनरी लैंडिंग करनी पड़ी है, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी जारी नहीं हुई है। और ये भारत में ऐसा पहला मामला है जिसमें एक अत्याधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है। और आपको ध्यान होगा कि अभी गुरुवार को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने भी इसी तरह की किसी तकनीकी खराबी के कारण एक इमरजेंसी लैंडिंग करी थी। जैसा कि हमने आपको पिछले डिफेंस अपडेट में बताया था कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे 16 और 17 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और इस दौरान आज मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया इस वायरस की महामारी से लड़ रही है और अपने पड़ोसियों की मदद कर रही है, लोगों को दवा दे रही है, तो ऐसे वक्त में भी पाकिस्तान केवल आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रहा है। और उनका ये भी कहना था कि वर्तमान समय में हमें एक तरफ इस वायरस से लड़ाई भी लड़नी है और दूसरी तरफ पड़ोसी देशों की ओर से हो रही परेशानियों को भी देखना है। और उनका कहना है कि पाकिस्तान जैसा हमारा पड़ोसी लगातार हमारी मुसीबतें बढ़ा रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जारी है और जबकि आज ही सोपिया जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुई मुठभेड़ में दो आतंकी भी मारे गए हैं। और हम भी ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस हिसाब से पाकिस्तान के हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर भविष्य में कभी आतंकियों को एक्सपोर्ट करने वाले सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स की लिस्ट बनेगी तो इस लिस्ट में पाकिस्तान निश्चित रूप से टॉप पर आएगा। और बाकी इसके अलावा आज इंडियन आर्मी की तरफ से इस बात की भी पुष्टि की गई है कि आर्मी में अभी तक टोटल 8 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस देखे गए हैं, जिनमें दो डॉक्टर और एक नर्सिंग असिस्टेंट भी शामिल है। और इन 8 पॉजिटिव केस में से एक मामला पूरी तरीके से सही हो गया है जो कि लद्दाख वाला है और सोल्जर ने दोबारा से ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक आने वाले 7 सालों के अंदर अमेरिका अपनी नई स्पेस फोर्स के तहत हथियारों की एक ऐसी नई श्रृंखला को स्थापित करेगा जिसमें करीब 48 ग्राउंड बेस वेपन्स होंगे कि अगर भविष्य में चाइना या फिर रशिया के साथ अमेरिका का किसी भी तरह का विवाद होता है तो वे इसकी मदद से रशिया और चाइना की किसी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को टेम्परेरी जैम करने की कैपेबिलिटी रख सकेंगे। और जबकि इस तरह का पहला सिस्टम L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है जो कि पिछले महीने से ऑपरेशनल भी हो गया है। और अमेरिका की स्पेस फोर्स इस तरह के करीब 16 और वेपन्स की डिलीवरी प्राप्त करेगी। और अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में रशिया अपनी मौजूदा कम्युनिकेशन, नेविगेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के मॉडर्नाइजेशन को प्राथमिकता की सूची में रखेगा और इसके साथ साथ वो अपने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम कॉन्स्टेलेशन को भी बनाना जारी रखेगा। और चाइना की तरफ से भी इस तरह के प्रोग्राम्स पर काम किया जा रहा है। श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट किट को विकसित किया गया है जो कि केवल 2 घंटे के अंदर COVID-19 यानी कि चाइनीज वायरस को कंफर्म कर सकता है। और इस टेस्ट किट को विकसित करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से फंड किया गया है और इस किट के टेस्ट को NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में परफॉर्म किया गया है और टीम के मुताबिक इसके जो रिजल्ट आए हैं वो 100% एक्यूरेट हैं। रिलायबल डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक LCA तेजस MK-1A फाइटर के लिए स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले क्लास कॉकपिट को फाइनलाइज कर दिया गया है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अंतिम मंजूरी के साथ आने वाले कुछ महीनों में तेजस MK-1A फाइटर्स का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से साइन कर दिया जाएगा। और फिलहाल इस कॉन्ट्रैक्ट में केवल कुछ प्रोसीजर्स के कारण देरी हो रही है। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपको जिस बैच को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था उस बैच का नाम है मैवरिक बैच, जो कि पैरा स्पेशल फोर्स के उन ऑपरेटिव्स को दिया जाता है जो स्पेशल ग्रुप के लिए चुने जाते हैं। और जो स्पेशल ग्रुप है ये भारत की सीक्रेट स्पेशल फोर्सेज यूनिट में से एक है जो कि भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के तहत काम करती है। और हमने इस स्पेशल ग्रुप पर एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो आज का एपिसोड खत्म,
करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।